हम मोतिहारी से 30 किलोमीटर दूर चिरैया विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और यहाँ पर लाल बाबू प्रसाद गुप्ता के कार्यालय में मौजूद हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये क्षेत्र ये सीट इसलिए बहुत बेहद खास है क्योंकि पिछली बार भी लाल बाबू प्रसाद गुप्ता यहाँ से 4,500 वोटों से जीत के निकले थे। बड़ी ये विधानसभा क्योंकि करीब 3 लाख की आबादी है। मोतिहारी से करीब 30 किलोमीटर और मुजफ्फरपुर से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ती है। 7 तारीख को यहाँ चुनाव होने वाला है। कुल मिलाकर 78 सीटों पर 7 तारीख को चुनाव होगा। इससे पहले 3 नवंबर को 94 सीटों पर चुनाव होना है। तमाम लोगों से हम बात करेंगे, तमाम कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। कार्यकाल से बात कर सकते हैं। अच्छा, आप बताएं, आप जो अपलोड करने वाले हैं साफ तौर पर क्या सोचते हैं? यहाँ के हमारे जो विधायक हमें बहुत ही सरल और नव स्वभाव के हर लोगों से मिलनसार है और हमारे चिरैया में जो है बहुत सारा घर काम हुआ है, जैसे रोड हुआ, नाला हुआ, पुल पुलिया का काम हुआ है। रोजगार का जो मुद्दा है बड़ा मुद्दा होता है बिहार चुनाव का, उसमें किस मुद्दा हल कर पाए? रोजगार तो मुद्दा हमेशा रहेगा, सरकार आएगी और जाएगी, कोई भी सरकार में ऐसी नहीं है जो पूर्णतः लोगों को बेरोजगार है। भाजपा पर हमें भरोसा है और यह सरकार जो है आगे रोजगार दे। देखिए हम लोग तो मोदी को बोलेंगे और दूसरा को पार्टी लड़ाई लड़ रहे हैं। मोदी जी वेतन लड़ रहा है ना लाल बाबू जी, तो उनका तो उनको मिलेगा। लाल बाबू जी मोदी जी का दे क्या है इनको, मुझे तो वही है। क्या बात सोचते वोट करेंगे? सरकार हम लोग पर्दे दिखा के दे रहे हैं, सीधा साधी बात है। मोदी जी बहुत अच्छे, हमको तो राशन भी नहीं मिलता। लाल बाबू के साथ को आप वोट करने वाले आपने मन बनाया है, कोई बात तो सोचेंगे किसके पीछे वोट करने के लिए? मैं सोचा हूँ यही कि हमारे गाँव में प्रॉपर स्कूल था 5वां क्लास का, वो अभी मैट्रिक तक कर दी, उसके बाद में सही ढंग से चलने का रास्ता नहीं था, वो पक्का रोड कर दी, उन्हीं का रिजिन में पानी का हम लोगों को पानी जम जाता था, 14 बीघा का खेत है, जा जाता था डूब जाता था, तो पानी का निकास करता था। इससे बड़ा भविष्य क्या है? सब दुनिया हो गया, हम लोग सब कुछ देखे हुए हैं, झूम झूम कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे, पक्ष तो संसार में हमारे घर में भी विपक्ष है, नेता का विपक्ष तो संसार भी है, काम हुआ है इसके राज में काम। आप क्या सोच रहे हैं 7 तारीख को यहाँ होते हुए? भाई है ऊपर भी बहुत देखे हैं, ऐसा नेता नहीं हुआ है नरेंद्र मोदी जैसा आना होगा, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। देश विदेश को भी लेकर हर मुद्दा को लेकर मैंने हम लोग खुश हम लोग आप भी यहाँ बैठे भाग गई है नरेंद्र मोदी के दर्शन है, हम लोग जिंदगी भर रहते हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम लोगों ने अपनी बात रखी, हम इधर भी चलते जा रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा जिसको लेकर वोट करेंगे? बहुत सारे ख्याल कर जाएंगे नीतीश जी की सरकार से पूछ रहे हैं और यहाँ पर जो टक्कर मानते हैं उससे नेता होगा या आदमी होगा वो कभी नहीं भूलेगा।
रखे, क्या सोचकर वोट करेंगे? माझी बारी माझी को, हाँ किसको? माझी को, जीतन राम माझी। अच्छा, वो तो यहाँ से नहीं लड़ना है, तो वोट मोदी को देंगे। आप देख सकते हैं सात नंबर को यहाँ वोट देंगे, 3 लाख से ज़्यादा की आबादी है, इसके बाद लाल बाबू ने 4.5 हज़ार वोटों से यहाँ से जीते थे, लेकिन इस बार महागठबंधन से टक्कर है। तमाम लोगों से भी हमने बात की, तमाम घटना से भी बात की, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन कुल मिलाकर मैं बात बस यही कह सकता हूँ, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। हमारा काम मोहब्बत है, सच को दिखाना है, वही दिखाने की हमने कोशिश की। भारत भविष्य में क्या होगा, भविष्य में छोटे पर गर्व की बात है। 7 तारीख को वोटिंग होगी, 10 तारीख को पटना की सरजमीन पर वहाँ की गद्दी पर कौन बैठेगा और कौन दिवाली में दिए जलाएगा, कौन खुशी के दिए जलाएंगे, ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा। तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ चिरैया विधानसभा से।